एक राधा और एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। श्याम लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम है। दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? एक को प्यार की ख्वाहिश है और दूसरे को सिर्फ एक नजर, एक झलक की ख्वाहिश है। राधा ने कृष्णा को फूलों के बाग में ढूंढा और पाया, जबकि मीरा ने उसको अपने दिल में पाया। जब राधा कृष्णा को खो बैठी, और यहाँ कृष्णा को गोविंद के नाम से पुकारा गया है जो कि अक्सर उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो लॉर्ड विष्णु का नाम गोविंद है और लफ्जी माने खुदा के हैं, या और अगर तफसील में जाएं तो वो लड़का जो कि गांव गाय भैंसों की रखवाली करता है, लेकिन आता ये खुदा के मामलों में है। सिख माइथोलॉजी में भी खुदा के मामले में आता है, लेकिन कृष्णा के लिए भी अक्सर यूज़ होता है, इसलिए यहाँ गोविंद कहा गया है। तो शायद यहाँ पे ये कह रहा है कि राधा ने जिसको गोविंद को यानी कृष्णा को खो बैठी थी, मीरा ने उसको अपने हाथों में पाया। एक बांसुरी है, दूसरी पाजेब है, एक पागल औरत है और एक जख्मी आशिक है। बताओ दोनों की मोहब्बत में फ़र्क क्या है? एक को कृष्णा का खूबसूरत चेहरा चाहिए और दूसरी को सिर्फ अपने महबूब की परस्तिश करना है। Thank you.
मिश्रा या शे मुश्किल है, मीरा के प्रभु गिरधार नागर, राधा के मनमोहन। कहना ये है कि कृष्णा जो है मीरा का वो खुदा है जिसने उंगली पे दुनिया उठाई हुई है, लेकिन राधा का तो वो एक खूबसूरत साथी है, मोहब्बत करने वाला साथी है। राधा जो है अपने आप को जेवरात से सजाती है, लेकिन मीरा जोगन बन गई है। उसने तमाम हुस्न की जेबाइश और आराइश को त्याग दिया है, इसलिए कि वो अपने महबूब के लिए पागल है। एक तो रानी बन गई है, लेकिन दूसरी बांदी बन गई है, लेकिन दोनों ही कृष्णा की मोहब्बत की प्यासी है। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में? ये लफ्ज तृप्ति जो है बड़ा मुश्किल है, इसके माने सेटिस्फैक्शन के हैं, सुकून के हैं, हासिल करने के हैं। तो शायर यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की आप कह सकते हैं कि जीत में, या दोनों की सुकून में, या दोनों के इत्मीनान में, या दोनों के सेटिस्फैक्शन में क्या फ़र्क है। एक जीत नहीं मान रही है और दूसरी हार नहीं मान रही है। गाना 1985 में राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर साहब की मशहूर फिल्म थी, उसका था। इसकी म्यूज़िक भी रविंद्रा जैन ने दी थी और इस गाने को लिखा भी रविंद्रा जैन ने है। बहुत मुश्किल गाना है। मेरा ख़्याल है कि जितने भी गाने हिंदुस्तान की तारीख में आज तक लिखे गए हैं, उनमें सबसे मुश्किल तरीन गाना अल्फाजों के लिहाज से, समझने के लिहाज से, और दोहरी मीनिंग के लिहाज से ये सबसे मुश्किल गाना था। लेकिन इससे भी कोई शक नहीं है कि मीरा और राधा की मैथोलॉजी को इस गाने ने जितने अच्छे तरीके से बयान किया है, शायद ही कोई कर सके। बहुत शुक्रिया नौमान। आज फ्राइडे है, 11 सितंबर 2020।